बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू आवर रिएक्शन चैनल। मैं हूँ देवाशीष और ये है उपवन। और जिस किसी को भी हमारी वीडियो पसंद आती है और आज की वीडियो पसंद आएगी वो कमेंट्स में लिखेगा अल्लाह हू अकबर। जितने कमेंट्स आएंगे हम सबको रिप्लाई करेंगे, लाइक्स करेंगे, हमें अच्छा लगेगा अगर आप लिखेंगे अल्लाह हू अकबर। ठीक है, तो आज बहुत अच्छी वीडियो है, तो ये मैंने थोड़ा रिसर्च किया था उसके ऊपर से मुझे पता चला कि ये वीडियो काफ़ी अच्छी है और इसका मीनिंग भी काफ़ी अच्छा है। तो ये वीडियो है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की, पुले सिराज वीडियो है नाम है। तो कुरान के अंदर इनके ये वर्ड के ऊपर एक बहुत अच्छी चीज़ लिखी हुई है। तो चलिए हम वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि मोहम्मद अली मिर्ज़ा क्या बताना चाहते हैं। अगला सवाल है, अमूमन बचपन में ये बात सुनने को मिली है कि अल्लाह ताला ने जन्नत में एंट्री के लिए टेस्ट के तौर पर एक ख़तरनाक ब्रिज रखा हुआ है जिसे पुले सिरात कहा जाता है, जो कि बाल से ज़्यादा बारीक और तलवार की धार से ज़्यादा काटने वाला है। अहले जन्नत उससे बासानी गुजर जाएंगे जबकि काफिर और मुनाफिकीन काट कर कर दोजख में गिरते जाएंगे। क्या ये बात वाकई दुरुस्त है? बिल्कुल 100% दुरुस्त है जी। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, आमीन। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिहि अलल इस्लाम वमन तवफ्फैतहु मिन्ना फतवफ्फहु अलल ईमान। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊजु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम वमिन अज़ाबिल क़ब्र वमिन फितनतिल महया वल ममात वमिन शर्रि फितनतिल मसीहिद दज्जाल, आमीन। मेरे भाइयों, ये पुले सिरात का ज़िक्र कुरान में भी इशारतन मौजूद है। सूरह मरियम के अंदर आपको 71 नंबर आयत मिल जाएगी, पारा नंबर 16 के अंदर। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोज़ख के कॉन्टेक्स्ट में गुफ्तगू करते हुए अल्लाह ताला फरमाता है, वइम मिनकुम इल्ला वारिदुहा, और कोई भी तुम में से ऐसा नहीं है मगर ये कि उसे दोज़ख से गुजरना पड़ेगा। काना अला रब्बिही हतमम मक़दिया, ये तुम्हारे रब की तरफ से तकदीर में शुदनी बात है, ये डेस्टनी तुम्हारे लिए मुकर्रर है कि तुम सबको आग के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। चाहे कोई जिन है, इंसान है, वो पैगंबर है, सहाबी है, ताबई है, नेक है, बद है, सबको एक दफा गुजरना पड़ेगा। फिर क्या होगा? सुम्मा नुनज्जिल्लज़ीन तक़ौ व नज़रु ज़ालिमीन फ़ीहा जिथिया, फिर हम निजात दे देंगे अहले तकवा को और जो जालिम है उनको घुटनों के बल उसी दोज़ख में रहने देंगे। वलिआउज़ु बिल्लाहि तआला, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, आमीन। बुखारी मुस्लिम में कई एक अहादीस हैं पुले सिरात के हवाले से। एक वो हदीस जो बुखारी और मुस्लिम दोनों में मौजूद है, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़्यामत वाले दिन अल्लाह ताला जहन्नम के दोनों सिरों पे एक पुल रखेगा, यानी जहन्नम को पार करने के लिए एक बहुत बड़ा पुल रखेगा। बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं, सबसे पहले मैं अपनी उम्मत को लेके उसके ऊपर से गुजरूंगा और उसके बाद बाकी अंबिया भी अपनी उम्मत के लोगों को अपने साथ लेकर गुजरेंगे और हर रसूल की ज़ुबान पे समेत मेरे रब्बे सल्लिम, रब्बे सल्लिम, रब्बे सल्लिम होगा। ऐ अल्लाह सलामती फरमाना, ऐ अल्लाह सलामती फरमाना, ऐ सलामती फरमाने वाले रब सलामती फरमाना। अब नमाज के बाद भी मुस्लिम शरीफ में दुआ है ना, अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारक तयादल जलाली वल इकराम, सलामती। और नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये कलाम भी सिर्फ अंबिया कर रहे होंगे, अंबिया के अलावा किसी को कलाम करने की इजाज़त भी नहीं होगी। आप वैसे कहते रहे कि हमारे बुजुर्ग जो हैं वो फड्डा डाल के बैठ लेंगे कि मैं अपने मरीज लेके जाने में, बुखारी मुस्लिम कहती है कि अंबिया के अलावा सबकी जुबानें होंगी गोंग, सवाए इसके कि वो कहेंगे रब्बे सल्लिम, रब्बी सल्लिम, रब्बी सल्लिम। फिर नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बुखारी मुस्लिम के अल्फाज है कि जब लोग पुले सिरात से गुजर रहे होंगे ना, तो पुले सिरात के दोनों जानिब आंकड़े लगे हुए होंगे जिस तरह के कांटे होते हैं और वो गुजरने वालों को जख्मी कर रहे होंगे,
और उठा उठा के मुजरमीन को दोजख में फेंक रहे होंगे, जैसे क्रेन की आप समझें कि वो आगे क्रेन से वो चीज़ें उचक के फेंकी जाती हैं ना, तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इस तरह वो उचक उचक कर जहन्नमियों को उस पुल से गुजरते हुए उचक उचक कर फेंक रहे होंगे जहन्नम में। और नबी अलैहिस्सलाम ने यह भी फरमाया, बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं, कि हर शख्स अपने अमाल के मुताबिक गुजर रहा होगा, कोई सुरीन के बल घिसटता हुआ जा रहा होगा। अस्तग़फिरुल्लाह, तो बोले आप सर इस मंजर को इमेजिन भी नहीं कर सकते। यहां तो कहते हैं लोग जो कुछ भी है तेरे महबूब की उम्मत से है, तो वो उम्मत कौन सी है जो गुजर रही होगी? वो आप ही लोग ही हैं, हम लोग ही हैं। अल्लाह ताला सलामती के साथ हमें गुजार दे, आमीन। आप अलैहिस्सलाम फरमाया कि बाद लोग जो हैं वो यानी तेज रफ्तारी से गुजर रहे होंगे, बाज घिसट घिसट के अपने अमाल के मुताबिक गुजर रहे होंगे, और फिर लोग कट कट के दोजख में गिर रहे होंगे। बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं, उस पुल से कट कट के दोजख में गिर रहे होंगे, फिर वो दोजख में रहेंगे यहाँ तक कि अल्लाह ताला उनके लिए कोई फैसला फरमा दे। वलियाज़ बिल्लाह ताला, अल्लाह ताला की पनाह, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, आमीन सुम्मा आमीन। सही मुस्लिम में एक हदीस है, अबू सईद खुदरी कहते हैं कि हमें ये बात भी पहुंची है कि वो पुल जो है वो तलवार की धार से ज़्यादा तेज और बाल से ज़्यादा बारीक होगा। ये अल्फाज बिल्कुल सही हैं सही मुस्लिम के अंदर। तो इस पुल से तो कोई बंदा भारत के साथ भी नहीं गुजर सकता, कोई चाइनी भी नहीं गुजर सकता। वो जो तो ये इसके ऊपर से गुजरना एक मोजज़े वाला मामला ही होगा जिसको अल्लाह ताला निजात देगा। और ये जो मैंने आयत पढ़ी ना सूरह अल मरियम की आयत नंबर 71, इसके कॉन्टेक्स्ट में किताबु तफसीर चैप्टर में इमाम तिर्मिज़ी इसी आयत को हेडिंग बना के ना इसके नीचे एक हदीस लेके आए हैं। यानी ये जो मैंने कहा ना कुरान में पुल इसरात का जिक्र है, इमाम तिर्मिज़ी का भी यही फाहम है। उन्होंने इस आयत की हेडिंग बना के जामे तिर्मिज़ी में हदीस ली है बिल्कुल सही सनद के साथ पुल इसरात के हवाले से, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये पुल इसरात जहन्नुम पे रखा हुआ एक पुल है जिस पर से लोगों को गुजरना पड़ेगा और हर शख्स अपने अमाल के मुताबिक गुजरेगा। बाज़ लोग बिजली किसी तेज़ी से गुजर जाएंगे, जैसे आसमान से ऐसे बिजली कड़क के नीचे पता ही नहीं चला विद इन सेकेंड्स। बाज हवा की तेज़ी से गुजरेंगे जो उससे कम नेक होंगे, बाज घोड़ सवार या ऊंट सवार किसी तेज़ी से गुजरेंगे, बाज भागते हुए गुजर जाएंगे, और बाज जो हैं वो पैदल चलते हुए, और बाज सुरीन के बल घिसटते हुए। सर इतना लंबा पुल, पता नहीं कितनी मुसाफत है, बल्कि बुखारी मुस्लिम अल्फाज है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस पुल की लंबाई अल्लाह ही बेहतर जानता है, मुझे नहीं पता कितनी है। हाय 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 हाय। और बाज ऐसे होंगे जो कट कट के फिर दोजख में गिर रहे होंगे, और उनका मामला फिर बाद में अल्लाह ताला तय करेगा कि उनके साथ क्या करना है। अस्तग़फिरुल्लाह। जामे तिर्मिज़ी में एक हदीस है, हज़रत अनस इब्ने मालिक जो हुज़ूर को 10 साल तक वज़ू करवाते रहे, बुखारी मुस्लिम में आए, तिर्मिज़ी में अल्फाज हैं, वो कहते हैं या रसूलल्लाह क़यामत दिन आप मेरी शिफ़ात करेंगे? फरमाया मैं करूँगा। तो या रसूलल्लाह मुझे अपना पता बता दें, मैं आपको कहाँ तलाश करूँ? उन्होंने इंश्योर किया, आपने फरमाया तुम पूरे सरात पे आ जाना। ओए हाय हाय, तो मुझे पुलसरात पे देख लेना, मेरे उम्मती गुजर रहे होंगे, मैं उनके लिए सलामती की दुआ कर रहा हूँ। कहा या रसूल अगर पुलसरात पे ना पाऊँ? तो आपने फरमाया कि फिर तुम मिज़ान अमल पे आ जाना, जहाँ लोगों के नामा अमाल तोले जा रहे होंगे। नबी इस्लाम का नामा अमाल नहीं तोल रहा होगा, आपको तोला ने अमन दे दिया ना, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। और बुखारी मुस्लिम में हदीस है, हदीस शफात के सारे नबियों से लोग होते होते हज़रत ईसा के पास जब एंड पे आएंगे ना, तो वो कहेंगे बस एक ही शख्स है जिसको अमन मिला हुआ है, तो मोहम्मद रसूलल्लाह के पास जाओ, वो शफात करेंगे। तो आप अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत की खातिर ही यानी मिज़ान अमल पे तकलीफ़ काट रहे होंगे। कहा या रसूलल्लाह मिज़ान अमल पे भी ना पाऊँ तो कहाँ जाऊँ? फरमाया फिर तुम हौज़े कौसर पे आ जाना, मैं वहाँ पर अपने उम्मतियों को मशरूब पिला रहा हूँ। बुखारी मुस्लिम में दर्जनों अहादीस हैं, आसमान के सितारों के बराबर उसके बर्तन हैं, और जो एक बार पिएगा वो कभी प्यासा नहीं होगा। जन्नत में लोग मशरूब लज्जत के लिए पिएंगे, प्यास की वजह से नहीं पिएंगे। उनका या रसूलल्लाह अगर आप मुझे पुलिस रात पे भी ना मिले, मिज़ान अमल पे भी ना मिले,
और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़े कौसर पे भी मुझे ना मिले तो फिर मैं आपको कहाँ तलाश करूँ? आप फरमाए तुम मुझे तलाश करना, मैं इन तीन में से किसी एक जगह पे आऊँगा। तो बुखारी मुस्लिम में फिर ये भी आता है कि मेरे हौज़े कौसर पे कुछ लोग लाए जाएंगे, मैं कहूँगा असहाबी असहाबी, मेरे साथी हैं, तो मुझे बताया जाएगा कि आपके बाद ये दीन से उल्टे कदम फिर गए थे, इन्होंने दीन में बिदतें जारी कर दी थी। आप फरमाते हैं मैं कहूँगा सुहकन सुहकन लिमन गैर बादी, को दूर कर दो मुझसे, मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। बुखारी मुस्लिम में अल्फाज हैं, अब्दुल्ला इब्न अबी मुलैका जब ये हदीस बयान करते थे तो कहते थे अल्लाह हम तेरी पनाह में आते हैं इस चीज़ से कि तेरे नबी के वफ़ात के बाद उनके दीन से उल्टे कदम फिर जाए। ये वही लोग हैं जो हुज़ूर की वफ़ात के बाद मुर्तद हो गए थे, मुसैलमा कज़ाब के साथ मिल गए, मुनकरीन ज़कात में शामिल हो गए, सैयदना अबू बकर के ख़िलाफ़ खड़े हो गए, और ये सिर्फ कानूनन सहाबा के बारे में सिर्फ ये हदीस नहीं है, आम उम्मतियों के बारे में अलग से हदीसें हैं बुखारी मुस्लिम में। ये ना समझेंगे पिछले लोगों के लिए, क़यामत तक के लिए जिन लोगों ने दीन में बिदतें जारी की उनके लिए हदीसें हैं, उसमें उम्मती उम्मती के अल्फाज भी हैं, वो भी बुखारी मुस्लिम में। और उम्मत क्या कर रही है? सही मुस्लिम में हदीस है नबी अलैहिस्सलाम एक दिन इतना रोए और साथ साथ आयतें पढ़ रहे हैं कुरान की। पहले आपने सूरह इब्राहिम की वो आयत पढ़ी जिसका तर्जमा यूं है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं ऐ अल्लाह शैतान ने कितने लोगों को बहका दिया, तो जो शैतान के रास्ते पे चला मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, यानी ऐलान बरात कर दिया अपने मानने वालों से। फिर आपने सूरह मायदा की वो आयात पढ़ी जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की और अल्लाह की क़्यामत के दिन गुफ्तगू होगी, उसमें ईसा अपने मरियम कहेंगे ऐ अल्लाह जब तक मैं इनमें मौजूद था मैं इन पर गवाह था, जब तूने मुझे उठा लिया फिर तू और तेरा इनका तेरी मर्जी इनको अजाब दे या छोड़ दे, ऐलान बरात। फिर हुज़ूर ने कहा कि या अल्लाह इब्राहिम ने भी अपनी उम्मत से ऐलान बरात कर दिया, ईसा ने भी कर दिया, लेकिन मैं कहता हूँ मेरी उम्मत मेरी उम्मत। आय हाय हाय, सही मुस्लिम के अल्फाज हैं हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और कहा कि अल्लाह ने मुझे आपकी तरफ भेजा है और कहा कि मेरे महबूब से पूछो कि उसको वो कौन सी चीज़ है जो गमजदा कर रही है, हालांकि अल्लाह को सब कुछ पता था। तो आपने फरमाया मेरी उम्मत, तो जिब्रील इस्लाम ने फिर अल्लाह की तरफ से बिशारत दी कि नबी इस्लाम को कि अल्लाह ताला फरमाता है कि ए नबी आप गमजदा ना हो, हम आपको आपकी उम्मत के मामले में क़यामत वाले दिन रुसवा नहीं करेंगे। तो सुभान अल्लाह, तो हम पढ़ते हैं लेकिन हमारे ऐसे करतूत ना हो कि सुहकन सुहकन लिमन गैर आबादी ना हो जाए कहीं, सुहकन सुहकन लिमन बदल आबादी ना हो जाए कहीं, ये भी तो चांसेस है। अस्तग़फिरुल्लाह तौबा इलैह, नबी अलैहिस्सलाम ने तो अपनी मोहब्बत का हक अदा कर दिया। और मुस्लिम शरीफ में हदीस है क़यामत का दिन वो है कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी मेरी तरफ मतवज्जे होंगे, जिस दिन कोई भी अल्लाह की बारगाह में कलाम करने वाला नहीं होगा, मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सिफारिश भी मैं करूंगा। हुजूर की सिफारिश के बाद अंबिया को बोलने का मौका मिलेगा। इसी पे वो आला हजरत का शेर है ना, वो जहन्नम में गिरा उनसे जो मुस्तगनी हुआ, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। बल हम शेर कह सकते हैं, हम मोहब्बत के लिए नारे मार सकते हैं, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने जो उम्मत को तालीमात दी थी हज्जतुल वदा के मौका पर, गदीर खुम के मौका के ऊपर, उम्मत ने किसी एक वसीयत का भी पास नहीं किया। अब ये एक दर्दनाक टॉपिक है, जितनी मर्जी बात की जाए ना ख़त्म होने वाली है। बस इसको इसी पे कंक्लूड करते हैं कि अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन हमें अपनी रहमत कामिला से, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ात के साथ, क़यामत की सारी होलनाकियों से बिला हिसाबो किताब जन्नत में दाखिला अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ठीक हो गया। तो ये वीडियो हमने देखा कि पुले सिरात की बात की जा रही है। पुले सिरात वो जगह कि हर जहन्नुम वासियों को वो पुल से गुजरना होगा, जहाँ पे मतलब वो पुल कितना बड़ा है वो अभी तक पता नहीं चला है। पर सब जो भी बोलते ना कि इस लाइफ में गलत काम करते हैं, हर एक चीज़ गलत हराम करते हैं, हलाल नहीं रखते, हराम करते रहते हैं, नमाज नहीं पढ़ते या गंदे सोच विचार लाते हैं, बहुत सारी खराब चीज़ों पे, हराम चीज़ों पे उस रास्ते पे चलते जाते हैं,
तो उन लोगों को ये जहन्नुम के रास्ते एक पुल से गुजरना पड़ेगा, वो है पुल सिरात। तो वहाँ पे वो बता रहे थे कि जिस तरीके से आपने कर्म किया है, जिस तरीके से उसी हिसाब आपने, से उस आपकी हिसाब स्पीड से आपकी होगी। स्पीड होगी। क्योंकि वो पुल बोल रहे कि बहुत खतरनाक होगा, कि कांटों से भी खतरनाक चीज़ मतलब होगी, एकदम धार वाला धार वाली लड़का। चीज़ शार्प चीज़ होगी। तो आप कोई फास्ट बिजली की तेज़ी से निकल जाएगा, कोई बोलते कि घोड़े पे निकलेगा, कोई चल के निकलेगा, और कोई बोलते घिसड़ घिसड़ के जाते हैं। तो वो कटते कटते जाएंगे, और ये पुल कितना बड़ा है वो नहीं पता। बोलते हैं ना कि बहुत, वही बोल रहे हैं, अस्तगफिरुल्लाह बोल रहे थे कि बहुत और ऊपर खतरनाक मंजर टुकड़े होगा। गिरते जाएंगे नीचे हाँ, पानी और में कुछ लोगों को वो जैसे बोल रहे थे कि क्रेन की तरह उठा के दोजख फेंक में डाल दिया देंगे। जाएगा, आग में डाल दिया जाएगा। तो समझ लो एक पुल है, पुल के नीचे आग जल रही है, तो उठा उठा के फेंकेंगे। ये बहुत खराब मंजर है। तो वही बता रहे थे एंड में भी कि कितना भी कोशिश कर लो कि आपको जो भी कयामत के दिन आपको अच्छे कर्म अगर आप करते रहेंगे, आप थोड़ा स्ट्रगल से लाइफ जीते रहोगे, आपको हर एक चीज़ मन से भी अच्छा सोचना है, तन से भी अच्छा सोचना है, और बोलना भी अच्छा है, तो आपको जन्नत ज़रूर हासिल होगी। तो ये वीडियो था, और काफ़ी मैं मतलब सजेशन में आया था पुले सिरात। और बोलते कि एक नॉन मुस्लिम को समझ में नहीं आता कि वर्ड का मीनिंग क्या होता है, जब समय पूरा उसके ऊपर डिटेलिंग की तो समझ में आया कि भयानक मंजर होगा, और थोड़ा इमेजिन करते तो हार्ड। तो ये सारी चीज़ें कुरान में लिखी हुई है, तो गलत तो हो नहीं सकती। तो बस अच्छे कर्म करो ना, और लाइफ अच्छे से जियो, हलाल लाइफ जियो। ये था हमारा वीडियो, आपको कैसा लगा आप लाइक्स कमेंट्स और शेयर करना और और बताना। आप वीडियो पसंद आए तो अल्लाहू अकबर लिखना, अल्लाह कमेंट कमेंट करना हमें, करना, हम आपके लाइक्स और आपके सारे कमेंट लाइक और हार्ट देंगे। हार देंगे। ठीक है, ठीक है, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के अल्लाह लिए अल्लाह हाफिज़। हाफिज, खुदा अल्लाह हाफिज, शुक्रान। हाफिज़।